40,000 के अंदर बेस्ट 5 ऐसे लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा कि जो बेस्ट है 40,000 के अंदर। तो मेरा कहना है कि आप जैसे i5 जनरेशन के भी आपको 40,000 के अंदर आ जाएंगे, लेकिन i3 जनरेशन के आपके नई जनरेशन के आएंगे ऐसे 11th 10th 11th जनरेशन के आएंगे, जबकि जो i5 के होंगे आपको 7th 8th जनरेशन के होंगे। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप i5 को ले, वो कि जो भी पुराने जनरेशन है आप नई जनरेशन के i3 ले, क्योंकि उसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और उसके अपडेटेड वर्जन वगैरह मिलेंगे, सब कुछ में आपको चलाने में अच्छा लगेगा। जबकि आप i3 लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और i5 लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा पुराना जनरेशन। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपने 40,000 के लैपटॉप को कैसे क्राइटेरिया डिवाइड किया है। तो मेरा क्राइटेरिया है कि मिनिमम 10 जनरेशन उसमें होना चाहिए, i3 में 10 जनरेशन मिनिमम होना चाहिए। साथ साथ में डिस्प्ले के लिए मैंने डिवाइड किया हुआ है कि 15.6 इंच से लेके 14 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद मैंने जो 40,000 के अंदर लैपटॉप है, मैंने आपको ध्यान रख के किया है, क्योंकि ये 40,000 के अंदर जो लैपटॉप आएंगे वो या तो वर्किंग वाले लोग लेंगे या टीचर्स वगैरह लेंगे या स्टूडेंट्स वगैरह लेंगे। तो इसका मैंने वेट के लिए डिवाइड किया है कि आपका 2 kg से ज़्यादा इसका वेट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ मैंने इसमें 4 GB और 8 GB रैम का है, क्योंकि 40,000 में आपको 8 GB सारे नहीं मिलेंगे, कुछ आप 4 GB भी हैं। और उसके साथ साथ मैंने इसका स्टोरेज के लिए मैंने 1 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए या 512 GB की आपकी SSD डली होना चाहिए और विंडोज 10 बूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने पहले लैपटॉप की ओर बात करता हूँ। तो पहला लैपटॉप है Acer Aspire 5। तो Acer Aspire 5 के साथ मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो आपको इसके साथ मिलेगा 14 इंच का फुली डिस्प्ले और रैम मिलेगी 4 GB, स्टोरेज है 512 GB की SSD डली हुई है और CPU है i3 10th जनरेशन और CPU है 37990। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से आगे इसकी जो कोस्ट में फ्लक्चुएशन होगा तो उसको आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपसे कहूँगी कि जब ऑफर चलेंगे या 2-3 हज़ार रुपये ऑफर मिल जाएंगे आपको इसी प्राइस पे, तो आप जब भी खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने दूसरे लैपटॉप की आगे और बढ़ता हूँ। तो मेरा दूसरा लैपटॉप Asus X509JA। तो इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँगा आपको। इसकी तो इसका स्पेसिफिकेशन है, डिस्प्ले में है 515.6 डिस्प्ले, साथ साथ आपको रैम मिलता है 4 GB का। स्टोरेज के बारे में आपको बात बताता हूँ, तो इसकी स्टोरेज 1 TB की हार्ड है। और CPU के बारे में बात करते हैं चलिए दोस्तों, तो इसकी CPU है i3 10th जनरेशन, तो आपको ये भी i3 है और CPU 37990 ओनली, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने सीरीज के तीसरे लैपटॉप की ओर चलते हैं। तो हमारा तीसरा लैपटॉप है HP 14S। तो इसकी बेसिकली इसके दोस्तों इसका फीचर है कि आपको इसमें मिलता है सिम स्लॉट यानी कि LTE स्लॉट। अगर आप कनेक्टेड नहीं है वाईफाई और आपके पास नहीं है नेट, तो आप उसमें डायरेक्ट सिम डाल के भी चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको बताता हूँ, तो आपको इसके मिलेगी 14 इंच फुली डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले और उसके साथ रैम मिलेगी आपको 4 GB की। स्टोरेज के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्टोरेज 1 TB की, और इसकी CPU के बारे में बात करते हैं, इसका CPU है i4 3 10th जनरेशन। इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इसकी प्राइस है 39,000 ओनली। तो चलिए दोस्तों, अपने सीरीज के चौथे लैपटॉप की ओर चलते हैं। तो हमारा फोर्थ लैपटॉप है अविटा लीवर V40। तो इसके साथ साथ आपको डिस्प्ले मिलती है 14 इंच फुल HD डिस्प्ले, और इसके साथ साथ इसकी रैम के बारे में बात करेंगे तो इसकी रैम है 8 GB की। इसकी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो आपको इसके साथ स्टोरेज मिलता है बहुत अच्छा स्टोरेज, यानी कि 512 GB का SSD डला हुआ है, जो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी में चलाने के लिए और आपके फंक्शंस को करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आप उसमें एडिटिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। और आपका CPU है इसमें Ryzen 5 क्वाड कोर 3500U, तो आपका CPU भी बहुत अच्छा है। जो CPU है इसका Ryzen 5 का, वो i3 कोर जनरेशन से अच्छा होता है, i3 10th जनरेशन से भी अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर Ryzen 5 लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छा लैपटॉप है और तीनों से अच्छा है जो मैंने पिछले दिखाए हैं। इसके साथ साथ इसकी प्राइस के बारे में बात करूंगा तो इसकी प्राइस है 39,000 ओनली। चलिए दोस्तों, अपने सीरीज के आखिरी लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप, सबसे अच्छा लैपटॉप जो आपको खरीदना ही चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं, लेनोवो आइडियापैड S145। तो यार, लेनोवो के जो आइडियापैड का है, उन्होंने हर सीरीज के मतलब हर प्राइस रेट के हिसाब से अलग अलग सीरीज को डिवाइड किया है, तो ये सबसे बेस्ट है लेनोवो का इस सीरीज 40,000 की सीरीज में। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको जरूर खरीदे। और इसके साथ साथ इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन में है
उसके साथ आपको डिस्प्ले मिलता है 15.6 इंच का फुली एचडी डिस्प्ले मिलता है। रैम के बारे में बात करता हूँ तो उसकी रैम है 8 GB की। स्टोरेज के बारे में बात करूंगा उसके साथ साथ आपको मिलता है 1 TB का हार्ड डिस्क जो आपको बहुत अच्छे स्टोरेज है। और आज के CPU की बात करूंगा तो इसका CPU भी सेम है Ryzen 5 Quad Core 3500U। इसकी प्राइस के बारे में बात करूंगा तो इसकी प्राइस है 39,000, लगभग प्राइस भी सेम ही है। तो आप जो भी लैपटॉप खरीदना चाहें उन खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें और बताएं कि हमने जो सीरीज में आपको नंबरिंग की है वो आपको सही लगी है अच्छी नहीं लगी है। और अगर आप कोई लैपटॉप को जोड़ना चाहते हैं आपकी सीरीज में तो हमें भी उसको शेयर करें और हमें भी बताएं कि कौन सा लैपटॉप सीरीज में होना चाहिए था जो नहीं है। और अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। और अगर इसकी बारे में और कुछ जानना है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gear5.xyz, आप वहाँ पर जरूर विजिट करें। थैंक फॉर वॉचिंग और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो साइनिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, थैंक यू।